हे वेलकम बैक दोस्तों। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो बिजनेस कर रहे हैं, एक जो बिजनेस करना चाहते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, या आपका बिजनेस फेल ना हो, या आपका बिजनेस क्यों फेल हुआ। जिन लोगों ने बिजनेस ट्राई किया वो फेल हो गए, तो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, मैनी टाइम्स फेल होते हैं, और फेल होने के बाद ही सक्सेस हो सकते हैं। विदाउट फेलर देयर विल नॉट बी अ बिग सक्सेस। यू गॉट इट? विदाउट फेलर देयर विल नॉट बी बिग सक्सेस। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और फेल हो गए। फेल क्यों हुए? क्योंकि उनका विजन, उनकी स्किल्स, एज ए एम्प्लॉय तो अच्छी थी क्योंकि वो पहले तो जॉब कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, लेकिन जब वो बिजनेस में आए सो दे आर वर्किंग इन देयर बिजनेस, नॉट ऑन देयर बिजनेस। ऑन देयर बिजनेस मीन्स वो बिजनेस में आने के बाद भी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, ना कि अपने बिजनेस पे काम कर रहे थे। ये गलती उनकी थी, इसलिए वो फेल हुए। ठीक है, ई मिथ एक बुक है जो कि आप सबको पढ़नी चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ई मिथ फुल फॉर्म इज एंटरप्रेन्योर मिथ, जो कि लिखी है, मैं राइटर बताता हूं, माइकल ई गर्बर। माइकल ई गर्बर ने लिखी है ई मिथ बुक, एंटरप्रेन्योर मिथ। उसमें उन्होंने बताया है कि जब एक प्रोफेशनल बिजनेस करता है तो उसकी जो स्किल्स हैं वो कभी भी बिजनेस के कंपेटेबल नहीं होती है। मींस उसकी स्किल हमेशा एक एम्प्लॉय की होती है उस समय, ना कि एक एंटरप्रेन्योर के विजनरी एटीट्यूड वाली स्किल्स होती हैं। अब अगर आपको बिजनेस अपना सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स तो होनी चाहिए, जो कि आप जब एम्प्लॉय थे तब थी आपके अंदर, लेकिन उसके अलावा जो चीज आप मिस कर रहे हैं वो है विजन, मैनेजमेंट। विजन, मैनेजमेंट एंड डेडिकेशन, ये तीन चीज आपके अंदर मिसिंग होती हैं, क्योंकि आपका बिजनेस फेल हुआ है। अगर आपका बिजनेस सक्सेस हुआ है तो ये तीनों चीज आपके अंदर है ऑटोमेटिकली। इन वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। विजनरी मीन्स आप फ्यूचर का कितना देख सकते हैं चीजें, कि हाँ अगर मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं तो इसका फ्यूचर क्या है, और मैं इसमें इस तरह से काम करूंगा तो फ्यूचर में क्या होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज थिंक बिग। थिंक बिग मीन्स डोंट थिंक स्मॉल, डोंट थिंक लाइक एम्प्लॉय, बिकॉज नाउ यू आर ए बिजनेस मैन। इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस थिंक बिग, स्काई इज द लिमिट। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपके बिजनेस में रिजल्ट भी बड़े आएंगे। डेडिकेशन आपको देना ही पड़ेगा, विदाउट डेडिकेशन आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें एक चीज और आती है कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या हैं और आप बिजनेस क्या कर रहे हैं। अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो आप एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं जो कि डेंटिस्ट का हॉस्पिटल होगा, तो वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप एक बेकर हैं तो आप बेकरी खोल सकते हैं। तो ये चीजें रिलेट होना भी बहुत जरूरी है जिससे कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर, बैकग्राउंड, स्किल्स, वो सब आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि आपके एम्प्लॉय के अंदर। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होगा जिसके अंदर खुद वो सारी स्किल्स हैं जो वो अपने एम्प्लॉयज में एक्सपेक्ट करता है। इफ यू आर ओपनिंग एन कोचिंग इंस्टीट्यूट तो यू शुड हैव अ गुड स्किल्स ऑफ ए टीचर, टीचर ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच यू आर ओपनिंग एन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इफ यू आर ओपनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी यू शुड बी अ गुड प्रोग्रामर। इफ यू आर ओपनिंग सम अदर मैकेनिकल बिजनेस यू शुड बी अ गुड मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल टेक्नीशियन, देन ओनली योर बिजनेस विल ग्रो। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। एग्जाम्पल्स में है लैरी पेज,
सर्जरे बिन द सीईओ एंड ओनर ऑफ गूगल बोथ आर प्रोग्रामर्स एंड दे हैव डन देयर पीएचडी एंड द प्रोजेक्ट ऑफ देयर पीएचडी इज गूगल गेट इट द प्रोजेक्ट ऑफ देयर पीएचडी इज गूगल एंड मार्क जुकरबर्ग इज अ प्रोग्रामर एंड ही डिड हिज बीएससी इन प्रोग्रामिंग and other and you can take any example so honda you can take an example of honda the owner of the honda is a mechanic of cars he was a mechanic of the cars and now you can see where is honda so thank you friends I will suggest be visionary Be a good manager and you should have good skills if you are starting your business. Then only your business will grow. Otherwise, your business will not be successful. Bye-bye.